नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत या यूं कहें कि दुनिया मौजूदा समय में ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है और यह दुनिया के लिए एक बुरी खबर है। वैसे तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो कोई भी खबर किसी के लिए अच्छी होती है तो किसी के लिए खराब होती है, यानी बुरी होती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है, या सभी के लिए एक बुरी खबर है, खतरनाक खबर है, और या यूं कहें कि दुनिया के सामने एक अलार्मिंग पोजीशन। मौसम के तेवर बदल रहे हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य तौर पर तीन मौसम होते हैं। ऋतुएं तो कई होती हैं, मौसम तीन होते हैं, बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम। लेकिन जो हालात ग्लोबल वार्मिंग ने बदले हैं, उसमें अब इस मौसम में, यानी मौसम का जो अपना समय होता है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। खास तौर से देखें तो भारत में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि भारत में वह दिन दूर नहीं है, वह समय दूर नहीं है जब भारत में 3,40,00,000 से अधिक नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, यानी नौकरियां एक तरह से समाप्त हो जाएंगी, नौकरी करने वाले नहीं होंगे। नौकरियां या ना सरकार खत्म कर रही है और ना उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से नौकरियों पर यह संकट दिख रहा हो। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते, यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो कहर होगा आने वाले दिनों में, वह नौकरियों को खत्म करेगा और भारत में 3.4 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। यूं कहें कि नौकरियों पर या रोजी रोजगार पर या आम आदमी के जीवन मरण का एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। यह चेतावनी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट से सामने आई है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट कह रही है कि भारत सहित दुनिया के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग, मौसम के तेवर बदल रहा है। पहले सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, यह सभी चार चार महीने करीब अनवरत चलते रहते। बारिश जून से लेकर सितंबर तक होती थी और सितंबर के बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यह जाड़े का मौसम होता था, यानी सर्दियों का मौसम होता था। फरवरी के अंत तक गुलाबी जाड़ा महसूस किया जाता था, जिसमें लोग जाड़े को एक तरह से यूं कहें कि जाड़े का, सर्दियों का भरपूर आनंद लेते थे भारतवंशी। इसी तरह से मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून या चार महीने तक करीब गर्मियों का मौसम रहता था। गर्मी भी प्रचंड रूप में मई जून के दौरान होती थी। लेकिन मौसम ने जिस तरह से करवट ली, मौसम में जिस तरह से बदलाव हुए, इसके पीछे एक बड़ा कारण
वायु प्रदूषण है, और दुनिया भर के जो अन्य प्रदूषण है वह, या यूं कहें कि ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम के तेवर बदल दिए, मौसम की अवधि बदल दी, उसका काल बदल दिया, तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगी। अब इस वर्ष देखें तो बारिश बहुत कम हुई, और जब बारिश समाप्त होने का समय था उस समय भारत के अधिसंख्य इलाकों में भीषण बारिश हुई, जिससे फसलें चौपट हो गई, किसान का अपना श्रम बेकार चला गया, उसका परिश्रम व्यर्थ चला गया, क्योंकि बारिश ने कहर ढा दिया। चाहे वह धान की खेती हो या बाजरा की खेती हो, कहीं न कहीं इस बेमौसम की बारिश ने उसे चौपट किया। अब दिसंबर यानी वर्ष का अंतिम माह चल रहा है, लेकिन जो प्रचंड या यूं कहें कि जो तल्ख सर्दी होनी चाहिए, वह अभी तक सर्दी ने अपने तेवर नहीं दिखाए। या मौसम का बदलाव ही है, मौसम का जो ड्यूरेशन होता है, जो उसकी अवधि होती है, उसमें कहीं ना कहीं ग्रहण लगा है। तो सर्दियों का मौसम सिमट गया, अभी दिसंबर जनवरी या मैक्सिमम मान लेते हैं कि फरवरी के मध्य तक या फरवरी तक सर्दी पड़ेगी, ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है। तो बारिश जो 4 महीने होती थी वह सिमट कर 2 महीने में आ गई, और सर्दी का मौसम भी जो 4 महीने होता था वह सिमट कर 2 या 2.5 माह के बीच में दिख रहा है। लेकिन जो गर्मियों का मौसम है, उसका दायरा, उसकी अवधि, उसका काल पड़ता नजर आ रहा है, और यह गर्मी का मौसम भारत सहित दुनिया को तबाही देने वाला है। विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है, जो अखबारों में है, सुर्खियों में है, चर्चा में है, आप भी इस खबर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और एहसास कर सकते हैं कि इस वर्ष जो 2023 में जो अगले वर्ष आने वाला मौसम है गर्मियों का, यह दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा, बेहद नुकसानदेह होगा। इस ग्लोबल वार्मिंग में देखें तो पूरे दुनिया में, जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है, अखबारों में खबरें हैं, चर्चा है, कि दुनिया में जल्द ही, कोई साल दो साल में नहीं हो जाएगा, लेकिन इतना अवश्य है कि या इसका फर्क दिखेगा रोजी रोजगार पर, नौकरियां जाएंगी, नौकरियां खोएंगी, नौकरियां समाप्त होंगी। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है, कि दुनिया में 8 करोड़ नौकरियों पर खतरा है, या नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लोग बेरोजगार होंगे, यानी दुनिया में 8 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार होंगे। भारत में यह तादाद दुनिया में पूरे परिदृश्य में देखें तो भारत सबसे आगे है, शीर्ष पर है नौकरियां खोने के मामले में। भारत में 3.4 करोड़ नौकरियां जाएंगी, यानी 3,40,00,000 से अधिक नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और जो यह हीट वेव्स होंगी, यानी लू के थपेड़े जो होंगे या बर्दाश्त के बाहर होंगे इस बार गर्मी के मौसम में। यह विश्व बैंक की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कह रही है कि इससे अधिक खतरनाक पहले कभी नहीं हुआ। अब वैसे देखें तो सामान्य तौर पर इस वर्ष यानी 2022 में दिल्ली में गर्मियों का जो मौसम था उसमें 46-47 डिग्री सेल्सियस तापमान दिल्ली में रहा।
क्या एक चौंकाने वाली बात है कि भारत ने जो कि अधिशंक भारत का इलाका है वह मैदानी इलाका है, यानी गर्मियों के दायरे में आने वाला इलाका है। अब कार्यबल को देखें तो भारत में जो कार्यबल है उसका 75% कार्यबल मैदानी इलाकों में है, यानी जो गर्मियों की चपेट में इलाके रहते हैं उन इलाकों में। दूसरे शब्दों में कहें तो 38 करोड़ लोग ऐसे उद्यम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरियां करते हैं जो कारोबारी क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में है, जहां लू के थपेड़े पड़ते हैं, लू के थपेड़े चलते हैं। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि 38 करोड़ लोग, भारत की आबादी करीब 140 करोड़ है, इनमें से 38 करोड़ लोग मैदानी इलाकों में, यानी जो कुल कार्यबल है उसका 75% यानी 75% कार्यबल ऐसे इलाके में है जो गर्मियों से प्रभावित रहता है, गर्मी से पीड़ित रहता है, गर्मी की चपेट में रहता है। यह संख्या जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है करीब 38 करोड़ है। और सर्वाधिक जो नौकरियां भारत में जाएंगी, नौकरियां जो खत्म होंगी वह इन्हीं इलाकों में होंगी, जो 38 करोड़ नौकरियां हैं धूप यानी गर्मी के प्रभाव वाले इलाके में, उन 38 करोड़ नौकरियों में 3 करोड़ 40 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। और यह खतरा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो मौसम बदल रहा है उसके कारण है, यानी जो दूसरे शब्दों में कहें कि 3 करोड़ 40 लाख लोग आने वाले समय में बेरोजगार होंगे, ऐसी चेतावनी वर्ल्ड बैंक की यानी विश्व बैंक की रिपोर्ट दे रही है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट की माने, जैसा कि आप खबरों में देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। अब विश्व बैंक की माने, इस रिपोर्ट की माने तो लू के थपेड़े ऐसे होंगे यानी हीट वेव्स ऐसी होंगी जो बर्दाश्त के बाहर होंगी, यानी इंसान सामान्य तौर पर उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उनमें उसके बाद दो कारण सामने आएंगे, एक तो यह होगा कि वह नौकरी से अपने आप को अलग कर लेगा, यानी वह नौकरी करने की स्थिति में नहीं रहेगा गर्मी के कारण, लू के थपेड़ों के कारण, लू की चपेट में आने के कारण। इसमें एक खतरा और भी है, जो हीट वेव्स है वह जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि जब इंसान की बर्दाश्त के बाहर होगा और वह व्यवस्था में मजबूरी में बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से उसे मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। यह एक संभावना है, निश्चित नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब वेव्स यानी हीट वेव्स खतरनाक मोड पर होंगी, खतरनाक होंगी, हार्मफुल होंगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंसान के शरीर को प्रभावित करेंगी, पीड़ित करेंगी, उसे दर्द देंगी, उसे तकलीफ देंगी, और संभव है कि इस पीड़ा के दौरान समुचित उपचार न मिल पाने के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। यह एक बड़ा खतरा है भारत सहित दुनिया के सामने। अब विशेषज्ञों की और खासतौर से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की माने तो लू के थपेड़ों का, लू की प्रचंडता का जो सर्वाधिक प्रकोप है वह भारत पर पड़ता दिख रहा है, यानी भारत उप महाद्वीप लू के थपेड़ों से सर्वाधिक प्रभावित होगा। इसमें भारत के साथ साथ नेपाल भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है, श्रीलंका भी हो सकता है, इसके साथ कई और आसपास के देश लू के थपेड़ों की चपेट में आ सकते हैं। दूसरे परिदृश्य में देखें, जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है, विशेषज्ञों का कहना है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है,
कि भारत में यह पहली बार होगा, यानी लू के थपेड़ों की जो प्रचंडता होगी, उसकी जो तीव्रता होगी, वह भारत में पहली बार ऐसा होगा जो दिखेगा। इससे दूसरे शब्दों में देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारत सरकार ने जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था साबित किया है, अर्थव्यवस्था भारत की बनी है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में जो छलांग लगाई है, छठवें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है भारत। ब्रिटेन ने जो दुनिया पर राज किया था उसे भारत ने पछाड़ा है, उसे पीछे छोड़ा है। अब दूसरे शब्दों में देखें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और पांचवें नंबर पर भारत है। यानी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत छठवें से पांचवें स्थान पर आया और ब्रिटेन जो कभी दुनिया का सिरमौर था वह सातवें स्थान पर पहुंच गया और फ्रांस भी उससे आगे निकल गया। तो अब पांचवें स्थान से भारत तीसरे स्थान का, यानी दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसमें अब भारत पांचवें स्थान से तीसरे स्थान पर, यानी जर्मनी को भी पीछे छोड़ने का लक्ष्य लेकर भारत चल रहा है। चाहे वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश के केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो या अन्य कोई बड़े नेता हो भारत सरकार के, वह बराबर कह रहे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह उसका संकल्प है भारत का और भारत इस दिशा में तेजी से काम भी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब यह एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग ने भारत पर अटैक किया है, मौसम के तेवर बदले हैं, मौसम का दायरा बदला है, मौसम की अवधि बदली है, मौसम का ड्यूरेशन बदला है, उसका काल बदला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। क्योंकि जब भारत में 3,40,00,000 से अधिक नौकरियां समाप्त हो जाएंगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के उद्योगों पर, भारत के कारोबार पर, भारत के पूरे सिस्टम पर कहीं ना कहीं बड़ा फर्क पड़ेगा। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो संकल्प भले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हो भारत का सपना, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग उसे कहीं झटका न दे दे, यह एक बड़ी आशंका इस समय देश के सामने खड़ी है। क्योंकि जिस तरह से रोजी रोजगार जाएंगे, नौकरियां जाएंगी ग्लोबल वार्मिंग के चलते, लोग पीड़ित होंगे, परेशान होंगे, रोजगार जाएंगे, लोगों की संभवतः मौत भी हो सकती है। जिस तरह से प्रचंडता गर्मी की संभावित दिख रही है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगेगा जिससे संभलना थोड़ा मुश्किल होगा भारत के लिए। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो जो तबाही का आलम, जो एक संभावना दिख रही है, वह एक बड़ा खतरा है भारत के लिए। जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि भारत में जलवायु परिवर्तन का जो यह दौर है, जो मौसम का परिवर्तन होता दिख रहा है, वह भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। जो 2022 में जो गर्मी हुई थी
जो मौसम गर्मी के दिनों में जो तापमान था, दिल्ली का तापमान था 46 से 47 डिग्री सेल्सियस, वह 22 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक था। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं न कहीं भारत का बड़ा इलाका रेगिस्तान के मौसम से तालमेल करता हुआ नजर आ रहा है। यह एक बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए, भारतवंशियों के लिए, यानी देशवासियों के लिए, देश की 140 करोड़ जनता के लिए यह चिंता की बात है और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, जिस तरह से आबोहवा में घुल मिल रहा है, वह कहीं न कहीं मौसम को प्रभावित कर रहा है, जीवन को प्रभावित कर रहा है, परिवेश को प्रभावित कर रहा है, और उसका सीधा असर इंसान के जीवन पर पड़ेगा यह दिख रहा है, जैसा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट ने कहा है। इस पूरे सीन में एक चेतावनी है, एक गंभीर स्थिति है, एक गंभीर खतरा दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, और यह खतरा, इस खतरे का सामना करना ही होगा किसी भी हाल में। और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति, जैसे कि पर्यावरण नष्ट हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उस पर अगर अभी भी सचेत नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, तो निश्चित रूप से अभी दिख रहा है कि कुछ समय में, यानी जैसा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि 2036 तक यह नौकरियां जाएंगी, तो यह अभी तो दिख रहा है कि भारत में 3,40,00,000 नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर सावधान सतर्क नहीं हुए, सजग नहीं हुए, तो निश्चित रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी, रोजी रोजगार जाएंगे, और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर होंगे, जिससे उनका कारोबार चौपट होगा, तो दैनिक जीवन भी अस्त व्यस्त होगा, और उनका जीवन ग्रहण लगता महसूस होगा। तो इसलिए पूरे परिदृश्य में देखें तो ग्लोबल वार्मिंग भारत सहित दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, अभी भी सावधान सतर्क होने की जरूरत है। फिलहाल दुनिया में जैसा दिख रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कि दुनिया में 8 करोड़ नौकरियां जाने का खतरा मंडरा रहा है, तो बात केवल भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की है। और इंसान को, चाहे वह भारत का हो या दुनिया के किसी भी कोने का हो, उसे सावधान सतर्क होने की जरूरत है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने की जरूरत है, पर्यावरण को बढ़ाने की जरूरत है, प्रदूषण को कम करने की जरूरत है। इस तरह से पूरा परिदृश्य बता रहा है कि आने वाला मौसम गर्मी का कितना खतरनाक होगा, जैसा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।